सो हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त वीके वाई और आप देख रहे हो वीके वाई गेमिंग स्टार जी। सो गाइज, यहाँ पे WCC3 का एक बहुत ही बड़ा मेगा अपडेट लॉन्च हो चुका है प्ले स्टोर के ऊपर। फाइनली जो जो आप लोग फीचर्स को आप लोग वेट कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे फीचर्स अब आप लोगों को WCC3 के अंदर देखने को मिल जाने वाला है। मुझे यहाँ पे 353 MB का अपडेट मिला है। आप लोग देख सकते हो आप लोग कितना अपडेट का मिला होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत लोगों को 500 तक का अपडेट देखने को मिला था। आप लोग जाके चेक कर लो गाइज। अब इसके अंदर करियर मोड के साथ साथ में NPL ऑक्शन, साथ साथ में आप लोगों को बहुत सारे नए एनिमेशन, NPL की जर्सीज और आप लोगों को लीग स्कोर कैलकुलेशन देखने को मिलने वाला है। और साथ साथ में यहाँ पे विकेट थ्रू द इनसाइड के एजिस के वगैरह के हमें बहुत सारे एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपडेट को तो लगा दिया हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ इमेजेस, यहाँ पे कुछ अपडेट आर्ट हुआ है तो देख लो गाइस। यहाँ पे नए आउटफिट्स आपको, ये वाला देखो, ऐसे कुछ 18 इंटरनेशनल जर्सीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है और 8 न्यू NPL जर्सीज आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये सारे चीजें आप लोगों को अपडेट हो चुकी है, जो यहाँ पे एक फोटो इन लोगों ने ऐड कर दिया। अब देखो गाइस, यहाँ पे करियर मोड का भी फोटो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। जैसे देख सकते हो, करियर मोड गाइड योर प्लेयर थ्रू 25 टूर्नामेंट्स फ्रॉम डोमेस्टिक टू द इंटरनेशनल, 400+ मैचेस आप लोगों का परफॉर्मेंस डिसीजन सिस्टम। तो ये सारे के सारे फीचर्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। देखते रहो इस वीडियो को लास्ट तक, मैं अपडेट हो जान देता हूं। इसको थोड़ी देर के लिए वेट कर लेता हूं अब। सो गाइज, यहाँ पे फाइनली जो गेम अपना जो है अपडेट हो चुका है। मैंने यहाँ पे गेम को ओपन कर लिया हूँ। अब गेम को ओपन करने के बाद देखते हैं गाइज इसके अंदर फीचर्स कैसे कैसे आए हैं, क्या क्या फीचर आए। मेन जो फीचर है करियर मोड, जिसके लिए हम लोग इस अपडेट का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, अब वो अपडेट हमारे डायरेक्टली हाथों में देखने को आपको मिल गया। और साथ साथ में NPL ऑक्शन भी आपको देखने को मिल गया। अब देखो गाइज, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों को नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसके अंदर परचेज करने को हमें बोल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ अब ये क्या बला है। देखो गाइज, यहाँ पे आप लोगों नए, आप लोग अगर आप लोग देखोगे तो देखो गाइज, यहाँ पे आप लोगों को 18 न्यू जर्सीज आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। मैन की जर्सीज और नए नए कलर्स के अंदर आप लोगों को देखने को ये मिलने वाला है। और साथ साथ में अगर मैं आपको स्क्रॉल करके और दिखाऊं तो उसमें 8 NPL की जर्सीज आप लोगों को देखने को मिले, यानी कि जो IPL की जर्सीज होने वाली है गाइज वो आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन वो जो है आपको रियल मनी दे के आपको बाय करना पड़ेगा। ये देखो गाइस, अगर आप लोग इंडिया के रियल जर्सीज वगैरह ऐसा कुछ जर्सीज नए नए पाना चाहते हो तो आपको पैसे देके यहां पे परचेस करना होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई है। अब देखो गाइस, यहां पे देखो, अब ये एक नया बात यहां पे आ चुका है कि स्पोर्ट्स के जो न्यूज़ है, रियल न्यूज़ है गाइस, यहां पे आप लोगों को देखने को अब मिलने वाला है हिंदी और इंग्लिश के अंदर, दोनों के अंदर। अब आप लोगों को यहां पे कंपनी ने ये एक अच्छा फीचर इसके अंदर ऐड कर दिया, जहां से आप लोग रियल जो न्यूज़ रहेगा गाइस वो आप लोग ले पाओगे। अब देखो गाइस, यहां पे होम स्क्रीन पे आ जाता हूं मैं और NPL जो है यहाँ पे जो है फाइनली आप लोगों का अनलॉक हो चुका है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैं टिक टिक किया और देखो गाइस, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे पंजाब पार्टनर्स, यहाँ पे हैदराबाद, यहाँ पे दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता मास्टर, मुंबई मास्टर, देखो यहाँ पे ये सारे के सारे हैं। अब इसको अनलॉक करने के लिए गाइस आप लोगों को यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे पड़ने वाले सिल्वर कॉइन्स की जरूरत, अदरवाइज आपको 599 रुपीज देने पड़ेंगे तभी जाके ये अनलॉक होने वाला है। अब आप लोगों के पास अगर 1999 अगर आप लोगों के पास सिल्वर कॉइन्स है तो आप लोग इसको खेल पाओगे, अदरवाइज आपको 600 रुपया देके इसको अनलॉक करना पड़ेगा। अब आप लोग देख लेना गाइस, अगर आपको चाहिए कि इसको फ्री में कैसे अनलॉक करें तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं इस पे वीडियो लेके आ जाऊंगा। बैक ले लेता हूं गाइस, यहां से इसको भी बैक ले लेता हूं मैं। अब इसको बैक लेने के बाद गाइज यहाँ पे हम लोग चलते हैं, आप देखते हैं माई करियर मोड, जो आप लोग का माई करियर मोड है इस पर क्लिक करते हैं गाइज। अब देखो गाइज, इसको भी अनलॉक करने के आपको पैसे देने पड़ेगा, तो मैं फटाफट से गाइज इसको अनलॉक करके आपको दिखा देता हूँ अब। सो गाइज, यहाँ पे मैंने फाइनली इसको परचेज कर लिया, मैंने 249 रुपीज़ यहाँ पे दे के इसको परचेज कर लिया हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप लोग, मैं बता दूंगा आपको फ्री में कैसे आप लोग अनलॉक कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी आप लोगों के लिए यहाँ पे रिव्यू वीडियो दिखाना था, दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पे परचेज करके दिखा दिया हूँ। अब गाइज यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे इन लोगों ने सबसे पहले मुझे बताया हम लोगों को इसके अंदर कि ये एक सीजन रहेगा जिसके अंदर टेक योर स्टार प्लेयर ऑफ द विक्ट्री अक्रॉस 25 अक्रॉस विद द 400, लगभग आपको इस सीजन के अंदर 400 मैचेस वगैरह खेलना
खेलना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। जैसे हम लोग कंट्री को अपने सिलेक्ट करके कंफर्म कर देंगे गाइज, उसके बाद में आप लोगों को अपना नेम को यहाँ पे से डालना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे अपना नेम डालना है, तो मैं यहाँ पे एक VKY डाल देता हूँ। और VKY डालने के बाद यहाँ पे जर्सी नंबर पूछ रहा है मुझसे, यहाँ पे मैं जैसे डाल देता हूँ मेरा, मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। इसको डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछ रहा है कि बर्थ प्लेस, आपका बर्थ प्लेस कहाँ है, तो गाइज यहाँ पे मैं बर्थ प्लेस डाल देता हूँ गोवा। गोवा का डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछ रहा है मेरे से कि डेट ऑफ बर्थ मेरा क्या है, तो 10th March मेरा है गाइज। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको फटाफट से 2001। उसको डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि चूज बैट्समैन, अब बैट्समैन ऑलराउंडर और बॉलर, तो आप लोगों को यहाँ पे चूज करना है कि आपका बैट्समैन रहना है कि बॉलर रहना है कि ऑलराउंडर रहना है। अब आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे यहाँ पे अच्छे तरीके से, जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैं बैट्समैन सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट हैंड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हमें, अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके बाद में क्या होने वाला है गाइस। अब गाइस यहाँ पे मैंने सिलेक्ट तो कर लिया, अब इसके बाद में अब हम लोग करते हैं एक काम कि यहाँ पे हम लोग बैट्समैन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टिक कर देते हैं प्लेयर नेम शुड बी मोर देन 3 कैरेक्टर, ठीक है गाइस। यहाँ पे यार बोल रहे हैं कि प्लेयर का जो नेम है गाइस वो जो 3 कैरेक्टर से ऊपर होना चाहिए। सो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे VKY गेमिंग कर देते हैं, ठीक है गाइस, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो हम लोग ने VKY गेमिंग कर दिया और इसके बाद में इसको मैंने टिक कर दिया। अब इसके बाद में जैसे आपको बताया था कि आप लोग प्लेयर को अपने कस्टमाइज कर पाओगे, कैसे आपको कस्टमाइज करना है, कैसे आपको लुक दिखना चाहिए, तो देखो यहाँ से आप लोग सारे के सारे अपने आप को लुक अपना मतलब दे पाओगे, कैसे आपको चाहिए आपको, आप अपने आप को कैसे दिखाना है, कैसे मतलब अपने आप को कैसे चाहते हो, वो सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे आप कर पाओगे, जैसे आप लोग देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया इसको, और जैसे मैं यहाँ पर मेरी मर्जी से मैं जैसे जैसे इसको चाहता हूँ उसको एडिट कर देता हूँ। अब देखो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे बंदे को एडिट करते फटाफट से कर देते हैं, और जैसे मुझे चाहिए कि हाँ भाई मैं मेरा प्लेयर ऐसा दिखा या मैं ऐसा दिखूँ, वो सारे के सारे चीज़ें मैं यहाँ पर उन बंदे को पहना देने वाला हूं, जिसे आप लोग देख सकते हो मैंने यहां पे इस बंदे को एडिट कर दिया। अब जैसे देखो एडिट करते जाएंगे और यहां पे आपको भी सारे के सारे चीजें देखने को ये मिलने वाला है। जैसे देख सकते हो यहां पे मैंने इसको एडिट कर दिया हूं, एडिट करने के बाद देखो कितना ओपी दिख रहा है गाइस। तो गाइज़ यहाँ पे ये ओपी तो ऑफकोर्स दिखेगा यार, क्योंकि यार एक जो कंपनी ने काम किया ऑफकोर्स बहुत ही खतरनाक काम किया, जैसे आप लोग देख सकते हो गाइज। अब देखो गाइज यहाँ पे आप लोगों को ये सारे के सारे जो कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिलता था नॉर्मल में, वो सारे के सारे यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद में गाइज ये देखो ये ओपी दिख रहा है ना गाइज, ये देखो कितना अमेजिंग सा लुक दिखा रहा है हमें, जैसे हम लोगों ने प्लेयर को जैसे गाइज हम लोगों ने कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक शेयर का भी ऑप्शन दे रहा है कि आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे टिक कर देता हूँ गाइज। अब देखो लोडिंग स्क्वाड दिखा रहा है कि हमारे स्क्वाड जो है गाइस यहां पर लोड हो रही है। यार करियर मोड का फीचर बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे, बहुत मतलब लगभग कई सालों से वेट कर रहे थे, दिनों से बोल तो नहीं सकते, कई सालों से वेट कर रहे थे, तो फाइनली यहां पे हमें इसके अंदर देखने को मिल जाने वाला है। अब जैसे देखो गाइस यहां पे हमारे जो है इसको लोड किया जा रहा है, जैसे ही लोड हो जाएगा मैं आपको बाद में इसको दिखा देता हूं। अब जैसे देखो लोड होने लगा गाइस, अब यहां पे इंटरनेशनल मैच, इंटरनेशनल टूर्नामेंट 6 हमें दिखा रहा है और डोमेस्टिक 16 हमें खेलना पड़ेगा और लीग्स के मैचेस हमें 7 खेलने पड़ेगा। अब देखो देखो गाइस यहां पर नीचे लिख के आ रहा है कि देयर आर टोटल 25 टूर्नामेंट्स इन WCC लीग, 16 डोमेस्टिक, 7 लीग और CA6 इंटरनेशनल। तो कहना यह है कि गाइस यहां पे आप लोग टोटल 25 टूर्नामेंट्स खेलने पड़ेंगे, इंटरनेशनल के अंदर आपको 6 टूर्नामेंट, डोमेस्टिक के अंदर 16 और लीग्स के अंदर 7। गॉट इट, कर देते हैं गाइस, कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है गाइस। अब देखो गाइस यहां पे सबसे पहला मैच जो मुझे खेलने को मिल रहा है वो है साउथ वर्सेस मोर, एग्जीबिशन मैच है, जिसे मैंने आपको बताया था कि एग्जीबिशन मैचेस वगैरह भी अंदर रहेंगी, तो यहां पे मैं ओके कर देता हूं और ओके करने के बाद इसको कंटिन्यू कर देते गाइस। अब जैसे फटाफट से इसको कंटिन्यू करते, देखो गाइस कितना अमेजिंग सा लुक लेके आ रहा है गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हो ये एग्जीबिशन का मैच। यार ऑफ कोर्स यार एक अमेजिंग सा काम किया जो यहां पे कंपनी वालों ने, तो ऑफ कोर्स ये एक अमेजिंग सा लुक लेके आने वाला है। और ये ट्रेलर का मैंने आप लोगों को जो इस गाइस फोटो बहुत पहले दिखा दिया था, एक बार मैंने लीक न्यूज लेके आया था और को मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे चीजें आने वाली है और ऐसी होने वाली है। गाइस यहां पे लोड ले रहा है, जैसे इसको लोड लेने देते हैं हम लोग, और जैसे देख सकते हो यहां पे गेम जो है हमारा फाइनली करियर मोड का है जो है फाइनली स्टार्ट हो चुका है। अब गाइस अब आप लोगों को डिपेंड करता है कि अगर आप लोग चाहते हो तो मैं अपने करियर को गाइस हम लोग कैसे बिल्ड कर रहा हूं वो एक एक करके मैं आपको गेम प्ले दिखाते चला जाऊंगा कि मतलब कैसे आज मैंने क्या खेला, कौन सी टीम के लिए खेला, फिर मेरा कहां पे सिलेक्शन हुआ, मतलब गेम प्ले, इन शॉर्ट गेम प्ले मैं आपको दिखाना चाहूंगा अगर आप लोग कहोगे तो। गाइस यहां पे मैंने देखो गाइस यहां पे इलेक्ट्रिक टू
बैट फर्स्ट, मतलब अपोनेंट जीत चुकी है और यहाँ पे उन लोगों ने बैटिंग के लिए चूज किया है। देखो गाइस, देखो जैसे नॉर्मली देखो गांव में हमारे देखो एग्जीबिशन मैचेस ऑफ कोर्स ऐसे ही नॉर्मल से होते हैं, ना ऑडियंस होती है ना कुछ होती है, और गाँवों की तरफ वो होता है गाइस। और देखो गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि डू यू वांट ऑटो प्ले दिस इनिंग और वॉच द योर टीममेट्स प्ले। तो गाइस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्या आप लोग चाहते हो कि इस मैच को ऑटो प्ले हो जाए, कि आप अपने टीम को चाहते हो कि स्पेक्टेट करो, मतलब ये होगा। देखो गाइस आपका जब चीज आएगा तभी आप कर पाओगे, अगर ऑटो प्ले कर देते हो तो जब आप बैटिंग करोगे तो बैटिंग ही आएगी, बॉलिंग के टाइम बॉलिंग करोगे, और अगर आप लोग स्पेक्टेट कर दे तो मतलब जितने सारे आपके टीम्स मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ऑटो प्ले कर देता हूँ, मतलब ऑटोमेटिकली जितने सारे मेरे प्लेयर्स हैं वो लोग खेल लेंगे और मुझे एक स्कोर दिखा दिया जाएगा, ठीक है गाइस, कि हाँ ये आपका स्कोर है और आपको भेजा जाएगा। अब देखो गाइस यहाँ पे मैंने एक लोडिंग बैट्समैन कर दिया हूँ और यहाँ पे मुझे जो है गाइस यहाँ पे फाइनली इन्होंने सिलेक्ट कर दिया। मुझे सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से जाता हूँ मैं अपने आप को लेके, और जैसे देखो तो गाइस यहाँ पे VKY गेमिंग जो मतलब नाम दिया था गाइस वो आ चुका है फाइनली। और देखो गाइस ऐसे ही कुछ हमें गांवटी स्टाइल में यार ऑफ कोर्स एग्जीबिशन मैचेस में ऐसे ही कुछ सिलेक्शन होते हैं जो हमें देखने को मिल जाता है। तो गाइस देखो अब यहां पे हम लोग शॉट्स में मारना है और हमें इस मैच को जिताना है। अगर हम लोग इस मैच को जिता देंगे तो हमारी सिलेक्शन लगभग कंफर्म हो जाएगी और हम लोग जो है धीरे धीरे मतलब नेशनल इंटरनेशनल वगैरह वगैरह खेलेंगे। अभी एग्जीबिशन मैच ही, यहां पे सिलेक्शन होगा, सिलेक्टर बैठे होंगे जो हमारी सिलेक्शन करेंगे। जैसे हम लोग अगर अच्छे खेल लेते हैं गाइस तो हमारी जो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाने वाला रहेगा। तो गाइस ये तो मैंने आपको दिखा दिया, अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ बैक लेता हूँ आपको, और बैक लेने के बाद यहाँ से और चीजें और कौन सी चीजें आई है इसके अंदर वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन गाइस ये एक अमेजिंग सा चीज आपको देखने को मिलने वाला था। गेम को मैं फटाफट से खत्म करता हूँ गाइस। सो गाइस यहाँ पे आपको मैं बता दूं यार सेलिब्रेशन स्टाइल बहुत सारे नए आए हैं इसके अंदर। मैं मैच तो हार चुका हूँ लेकिन यहाँ पे सेलिब्रेशन स्टाइल गाइस बहुत ज़्यादा ही यूनिक आपको देखने को इसके अंदर अब मिल रहे हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ही गेम को आप लोग खेलोगे मैच जीत जाओगे तो इसके अंदर अलग अलग किस्म के आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है जो है सेलिब्रेशन स्टाइल। एक अलग ही लेवल का सेलिब्रेशन स्टाइल आपको अब इसके अंदर देखने को मिल रहा है गाइस। मैंने खुद देखा हूँ आपके आंखों के सामने। आप लोग गेम को अगर खेलोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखो गाइस यहाँ पे सारे के सारे मैचेस मुझे दिखाया जा रहा है, कौन कौन से मैचेस है मेरे को, कौन कौन से है, ये सारे के सारे चीजें यहाँ पे मुझे दिखा दिया गया। अब यहाँ से मैं बैक जाता हूँ, होम पे जाता हूँ गाइस, और होम पे आने के बाद यहाँ पे मैंने आपको जैसे ही बताया था कि 2799 आप लोगों को रुपीज लगेगा, जिसके अंदर 2020 इंटरनेशनल कॉम्बो आप लोग बाय कर पाओगे, जो मतलब 2020 के अंदर आप लोग कॉम्बो को आपको उसको बाय कर पाओगे। अब यहाँ पे क्विक मैच प्ले के अंदर चलता हूँ, स्टार्ट न्यू करता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ 2 ओवर का मैच सिलेक्ट करके। अब यहाँ पे एक नई चीज आपको देखने को मिल रही है गाइस, वो है कि जर्सी आप लोग सिलेक्ट कर पाओ। जी हां गाइस, अब जैसे ये वाला जो सिलेक्शन आप लोगों को देखो, पहले यार एक अच्छी बात रहती थी कि हमें पहले जर्सी एक ही देखने को मिलता था, लेकिन अब यहां पे जर्सी देखो, यहां पे दो जर्सी, एक तो आपको बाय करना पड़ेगा जो ये रियल जर्सी जैसे इंडिया की रहती है वैसी, और एक ये डुप्लीकेट काइंड ऑफ बोल सकते। सो गाइस यार एक अमेजिंग सा फीचर कंपनी वालों ने लेके आ गया। अब यहां से मैं टिक करता हूं इसको, और यहां से मैं इसको अभी बाय नहीं करना मुझे, और यहां पे मैंने टिक कर दिया। अब देखो गाइस यहां पे आप लोगों को 3 स्टेडियम्स पहले से देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहां पे आप सारे के सारे स्टेडियम्स को अनलॉक कर दिया गया। जी हाँ गाइस, अब देखो गाइस अब आप लोग जो गाइस यहाँ पे इसके अंदर आप लोग पैसे पे करके, अब आप लोग मतलब सिल्वर कॉइन्स देके आप लोग कोई भी स्टेडियम्स को बाय कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे कॉइन, जैसे मैंने कोलकाता वाला मेरे को बाय करना है तो मैं मतलब 5 सिल्वर कॉइन दूंगा और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो देखते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको, और यहाँ पे सिंगल एंट्री के लिए मुझे यहाँ पे 5 मेरे को देना पड़ेगा, तो मैं इसको पे कर दिया हूँ। और इसको पे करने के बाद यहाँ पे गाइस यहाँ पे अपना जो टीम को मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ, और यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको स्टार्ट करने के बाद देखते हैं गाइस क्या इसके अंदर और कुछ नए चीजें आए हैं या कुछ नए चीजें एनिमेशन के अंदर कुछ चेंज हुआ है। तो गाइस अगर देखो ग्राफिक्स के अंदर तो एकदम कतई ही जहर बोल सकते हो आप लोग आ चुका है। तो यार एक अमेजिंग सा फीचर कंपनी वाले लेके आ गया है, तो यार एक तो अलग ही फीलिंग आ रही है, अलग ही मतलब मजे ला रहे कंपनी वाले। ये देखो ये एक नया एनिमेशन काइंड ऑफ देखने को मिल रहा है, मतलब यार धीरे धीरे कंपनी ने बहुत सारे वर्क किया है सीक्रेटली, आप लोग बोल सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे कंपनी ने वर्क तो कर दिया है, ऐसे नहीं बोल सकते कि कंपनी ने वर्क नहीं किया है। बहुत बड़ा अपडेट, और मैं पहली बार नेक्स्ट मल्टीमीडिया से दिल से यार खुशी मना रहा हूँ कि यार इतना मस्त अपडेट इन लोगों ने दिया है हमें। तो यार जाओ जल्दी से, अगर अपडेट नहीं किया तो फटाफट से इसको अपडेट करो और इंजॉय करो इस गेम को, अमेजिंग से गेम को। और बताना जरूर कि क्या आप लोग मेरे करियर को देखना चाहोगे, कि कैसे मैं ग्रोथ कर रहा हूं, कैसे कहां जा रहा हूं, ये सारे के सारे चीजें तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
सो गाइज यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे सेलिब्रेशन स्टाइल यार बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। बस मैं सेलिब्रेशन स्टाइल को आपको दिखाने के लिए कब से मरे जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा है फाइनली, लेकिन कुछ ना तो कुछ मैंने आपको दिखा दिया हूँ। तो यार जाओ जल्दी से इस अमेजिंग से अपडेट को अपडेट करो, करियर मोड को अगर बाय करना चाहते हो तो बाय करो, इंजॉय करो सारे फीचर्स को, और यार दिल से शुक्रिया करो कंपनी का। यार तब तक के लिए यार मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, और भी अगर बहुत सारे फीचर्स अभी बाकी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो खुद लिटरली बहुत बड़ी हो चुकी है। तब तक के लिए यार जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।